गुड आफ्टरनून बच्चों, अभी तक हमने सांख्यिकी के समांतर माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे और भी आगे के प्रश्नों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन में पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी के 50 अंकों से प्राप्त निम्न सारणी में दिए गए पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अंक का अंतराल दिया हुआ है, शून्य से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 15, 20, 25, 24 और 16। यहाँ हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे। पद विचलन विधि में समांतर माध्य का सूत्र था a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ऐसी स्थिति में हम u का मान ज्ञात करेंगे और u का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास u का सूत्र होता है x माइनस ए अपान आई, अर्थात d अपान आई। परंतु d अपान आई तो d को पहले ज्ञात करेंगे, इसलिए d का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है x माइनस ए। x माइनस ए, जब x माइनस ए को ज्ञात करना है तो हमको एक कल्पित माध्य के रूप में मानना पड़ेगा। माना कल्पित माध्य, a बराबर 25 मान लेते हैं हम लोग। a कल्पित माध्य मानना है, a को कल्पित माध्य मानने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको वर्ग अंतराल में x का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल में x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ही संख्याओं को जोड़ के, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ के हम दो से भाग लगाते जाएंगे तो हमें x का मान ज्ञात होता चला जाएगा। 10 को 2 से भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 15, 30 और 20 50, 50 को 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 40 को 30, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 70 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसी प्रकार 50 और 40 होता है 90 और 90 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 45 अर्थात 45। अब हम ऐसी स्थिति में कल्पित माध्य हम मानेंगे 25 को। 25 कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं तब हम यहाँ से d का मान ज्ञात करते हैं और d का सूत्र होता है हमारे पास x माइनस ए। d का सूत्र होता है x माइनस ए, तो हम x माइनस ए के रूप में हम निकालते हैं 25 माइनस 25, तो यहाँ से हो गया ये 0, 25 में से 15 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 10 और 5 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 20। इसी प्रकार नीचे के क्रम में हम देखते हैं तो 35 माइनस 25 हो जाएगा 10 और 25 45 माइनस 25 हो जाएगा यहाँ से 20। जब d का मान ज्ञात हो जाता है तब हम ज्ञात करते हैं यहाँ से u। u बराबर होता है d अपॉन आई, u बराबर होता है d अपॉन आई। तो अब हम यहाँ से
डी का मान ज्ञात करते हैं और डी के मान को हम आई से, आई अर्थात वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल प्रत्येक अंकों में अंतराल कितना है उस संख्या से हम उसको आई कहते हैं और आई से उसको भाग लगाते जाते हैं तो हमको यू का मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो हम यहाँ से डी अर्थात माइनस 20 और 20 को 10 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2। इसी प्रकार डी का मान दिया है यहाँ से ऋण 10 और आई का मान है 10। यहाँ ये बता सकते हम कि आई बराबर 10, तो हम 10 से 10 को भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। यहाँ आ जाएगा 0। इसी प्रकार 10 को 10 से ही भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 20 को फिर 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। जब u का मान ज्ञात हो गया तब हम सूत्रानुसार हम f u का मान ज्ञात करते हैं। f u का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास f दिया हुआ है, जो विद्यार्थियों की संख्या के रूप में आवृत्ति दी हुई है वो f है। f को हम u से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 30 माइनस 30, 20 × 20 माइनस 20, 25 × 0 24 × 24 और 16 × 32। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एफ यू का मान ज्ञात हो जाता है माइनस 30, माइनस 20, 0, 24 और 32। तब हम सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से सिग्मा एफ और यहाँ से सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू का मान ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा एफ हमारे पास तो आ जाता है यहाँ से 100, सभी को जोड़ देते हैं, 15, 20, 25, 24 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाता है 100। इसी प्रकार सिग्मा एफ यू हम जोड़ते हैं तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 6। सिग्मा एफ एफ यू बराबर आ गया हमारे पास 6 और सिग्मा एफ बराबर आ गया 100। अब समांतर माध्य के सूत्र में हम मान को रख देते हैं। ए हमारे पास आया 25 और धन सिग्मा एफ यू हमारे पास आया 6 और सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 100 और गुणित आई, आई का मान है हमारे पास 10। जब हम पूरे मान को अच्छी तरह से इसमें रख लेते हैं तो रखने के बाद अब गणना करते हैं तो गणना करने के दौरान हम ये पाते हैं कि 10 = 10 = 100 तो हम इसको लिख सकते हैं 25 × 0.6 लिख सकते हैं 6/10 को। 6/10 को जब हम 0.6 लिखेंगे तब हमारे पास समांतर माध्य आ जाता है 25.6। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 25.6। विद्यार्थियों की संख्या दी हो और अंक अंतराल दिया हो तब समांतर माध्य की गणना पद विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई के सूत्र से गणना के दौरान हम उत्तर पाते हैं कि समांतर माध्य 25.6 आता है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और आवृत्ति दे दी गई हो एक दो तीन पाँच सात बारह और सोलह। तब हम यहाँ समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से x ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य की गणना के लिए हम यहाँ से सबसे पहले मध्यमान x ज्ञात कर लेते हैं। मध्यमान x ज्ञात करने के लिए हमारे पास उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा दी गई है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 से 80। हम इन दोनों सीमाओं को जोड़ के दो से भाग लगा देते हैं तो मध्यमान ज्ञात हो जाता है। अर्थात x का मान ज्ञात करने के लिए हम 20 और 30, 20 और 10 को जोड़ते हैं तो 30 आता है और 30 को दो से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15। इसी प्रकार 30 और 20 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 50 और 50 को हम दो से भाग लगा देते हैं तो यहाँ आ जाता है 25। 40 और 30 को जोड़ते हैं तो हो गया 70 और 70 को दो से भाग लगा देते हैं तो यहाँ हो जाता है 35। 50, 40, 90 और 90 को दो से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। 60 और 50 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 110 और 110 को यदि दो से भाग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 55। यहाँ से इसको 70 और 60 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 130 और 130 को भाग लगा देंगे तो यहाँ से दो से भाग लगा देने पे 65 आ जाएगा। और इसी प्रकार 70 और 80 को जोड़ देते हैं हम तो हो जाता है 150 और 150 को यदि भाग लगा देते हैं तो यहाँ से आ जाता है 75 दो से भाग देने पे। मध्यमान निकल गया। मध्यमान निकलने के बाद हम चाहे तो यहाँ से हम लघु विधि का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लघु विधि में हमारे पास सूत्र था समांतर माध्य का सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो हम इस फार्मूला का उपयोग करके हम यहाँ से डी का मान ज्ञात करते हैं। पहले डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए और हम डी के रूप में एक दो तीन चार पाँच छः सात पद हैं तो हम यहाँ से तीन तीन छोड़ के ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कल्पित माध्य के रूप में ए बराबर मान लेते हैं 45। जब हमारे पास ए बराबर 45 आ गया तब हम डी का मान ज्ञात करते हैं एक्स से घटा के तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा 45, 35 में से 45 जाएगा 10 बचेगा। फिर यहाँ से 45 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 45 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। माइनस में ये सभी माइनस में आएंगे। इसी प्रकार 45 में से 55 घटाएंगे या 55 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 65 में से 45 घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 20 और यहाँ से घटा देंगे तो बच जाएगा 30, 75 घटाने पे। इस तरीके से हम देखते हैं कि d का मान x माइनस ए के सूत्र से हम ज्ञात करते जाते हैं तो 30, 20, 10 माइनस में आते हैं और फिर 0, फिर 10, 20, 30 आते हैं। इस तरीके से हम अब जब d का मान ज्ञात हो जाता है तब हम यहाँ से एफ डी ज्ञात करते हैं। एफ डी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एफ का मान दिया हुआ है आवृत्ति
और डी का मान दिया हुआ, हम दोनों को गुणा करते जाएंगे तो एफ डी का मान निकलता चला जाएगा। माइनस तीस को इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस तीस एक कम माइनस तीस, बीस का गुणा करेंगे तो माइनस बीस दूनी चालीस, तीन से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा दस दिया तीस माइनस तीस, जीरो से गुणा कर देंगे तो पूरा जीरो, दस का सात से गुणा करेंगे तो दस सत्ते सत्तर, बीस का बारह से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा बारह दूनी चौबीस अर्थात दो सौ चालीस, और तीस का इससे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा चार सौ अस्सी। अब जब एफ डी का मान ज्ञात हो गया तब हम यहां से सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करते हैं, और सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यदि हम सभी के टोटल करते हैं तो ये सभी माइनस वाले टोटल हो जाएंगे तो माइनस में आएंगे, और ये सभी प्लस वाले टोटल हो जाएंगे तो प्लस में आएंगे, और फिर हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आता है एफ डी का मान आता है हमारे पास डी बराबर एक्स माइनस ए, यहां से हो गया ये एक्स का माइनस के तो 45 में से 15 गया तो 30, 20 और माइनस 10 फिर 10, 20, 30 तो एफ डी बराबर आ गया 30, 40 और माइनस 30। अब हम यहां से एफ डी ज्ञात कर लेते हैं तो इसका टोटल हमारे पास आ जाता है ये 0, 4, 3, 7, 3, 10 ये हो गया 100 माइनस में, और इधर इधर का टोटल कर लेते हम तो ये हो गया 0, 8, 4, 12 का 2, 5, 2, 7, 7, 14, 1420, 1420 में यदि हम 100 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 1320। ये टोटल मिस्टेक था, टोटल हमारा आ जाएगा यहां पर 0, 8, 4, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का 9 हासिल का 1 हो जाएगा, 4, 2, 6 और 1 हो जाएगा 790। 790 में हम जब हम यहाँ से सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 790 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा ये 690। अब जब सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात हो गया और अब हम सिग्मा एफ का मान ज्ञात करते हैं तो सिग्मा एफ हमारे पास आ गया है 46। जब हम इस सब के टोटल को करते हैं तो सिग्मा एफ बराबर आ जाता है 46 और सिग्मा एफ डी का मान आया 690। तब हम यहाँ से समांतर माध्य की गणना करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ के सूत्र से रखते हैं तो ए का मान है 45 और धन सिग्मा एफ डी का मान है हमारे पास 690 और सिग्मा एफ बराबर है हमारे पास 46। तब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास 690 को 45 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है धन 15। जब 690 को हम 46 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, और 45 से हम 6 को जब जोड़ते हैं, 45 और 15 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 60, जो कि समांतर माध्य आंसर के रूप में देखेंगे हम 60 को। इसी पर आधारित हमारे पास और भी प्रश्न हैं समांतर माध्य से ही। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अब एक प्रश्न कुछ अलग सा है, निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जहां अंक दिया हुआ है शून्य से ऊपर, दस से ऊपर, बीस से ऊपर से ऊपर और 40 से ऊपर, शून्य से ऊपर, 10 से ऊपर, 20 से ऊपर, 30 से ऊपर और 40 से ऊपर दिया हुआ है। जब हमारे पास इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है और इसकी छात्र संख्या दे दी गई है, छात्र संख्या दे दी गई है 40, 36, 25, 11 और 3 दिया हुआ है, तब हम ये देखते हैं कि दी गई सारणी में संचयी आवृत्ति सारणी दी गई है। ये क्या दिया है? संचयी आवृत्ति सारणी। संचयी आवृत्ति सारणी जब दी गई हो तब हम यहाँ से हम आवृत्ति ज्ञात करते हैं। जब संचयी आवृत्ति सारणी दी गई हो तो हम वहाँ से आवृत्ति ज्ञात करते हैं। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर से, उससे पहले हम जब अंक दिया है शून्य से ऊपर, 10 से ऊपर, 20 से ऊपर, 30 से ऊपर और 40 से ऊपर, तब हम यहाँ पर वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। तब हम इसका अंक लिखते हैं शून्य से ऊपर अर्थात शून्य से 10, 10 से ऊपर अर्थात 10 से 20, 20 से ऊपर अर्थात 20 से 30, 30 से ऊपर अर्थात 30 से 40 और 40 से ऊपर अर्थात 40 से 50। ये बारंबारता अंक दे दिया गया है। तब हम यहाँ से मध्यमान ज्ञात करते हैं, मध्यमान x ज्ञात करते हैं। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5, 20, 10, 30 को 2 से जोड़े तो हो गया 15, 30, 20, 50 ये हो गया 25, 40 और 30 70, 70 को 2 से भाग लगा देंगे हो जाएगा 35 और 50, 40, 90, 90 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45। जब x का मान निकल गया, परंतु ये जो थी वो संचयी आवृत्ति था, संचयी आवृत्ति थी, इसलिए हम यहाँ पर से f का मान ज्ञात करेंगे आवृत्ति के रूप में। तो 40 में से 36 को घटाएंगे, 40 में से 36 को घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी 4 आवृत्ति के रूप में। फिर 36 में से 25 को घटाएंगे, 36 माइनस 25 आ जाएगा 11। इसी प्रकार 25 में से 11 घटाएंगे ये हो जाएगा 4 और ये 14। फिर 11 में से 3 को घटाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा 8 और लास्ट आवृत्ति के रूप में होगा 3। इस तरीके से हम f का मान निकालते हैं। तो f का मान हमारे पास आता है 4, 11, 14, 8 और 3। अब हम जब हमारे पास x का मान भी ज्ञात हो गया और f का मान भी ज्ञात हो गया तो हम यहाँ से प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए fx ज्ञात कर लेते हैं। fx ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, गुणा कर देते हैं f और x का, 15 और 11 का गुणा करते हैं, 15 और 11 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15 और 116, 165, 25 का 14 से गुणा कर देंगे तो 25 चौक 100 और 25 एकम 25 और 4, 29, 200, 90,
25 चौक 100 और 25 एकम 25 और 10 35 300 50 और 35 का हम 8 से गुणा करेंगे तो 35 का 8 से गुणा करने पे हमारे पास आ जाता है 280। इसी प्रकार 45 का 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 135। जब सिग्मा एफएक्स का मान ज्ञात हो गया तब हम यहाँ से सिग्मा एफ का मान ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ से हम ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान ज्ञात करेंगे तो ये 4, 11, 14, 8 और 3 का टोटल यदि करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40। और एफ एक्स का टोटल कर लेते हैं हम लोग तो सिग्मा एफ एक्स आ जाता है हमारे पास 950। अब सिंपली हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सूत्र में हम लोग रख देते हैं तो हमारे पास सिग्मा एफ आया है 950, सिग्मा एफ एक्स आया हमारे पास 950 और सिग्मा एफ है हमारे पास 40। इस तरीके से हम जीरो से जीरो को काट देते हैं तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाता है 23.75। ये इसका आंसर हो जाता है 23.75। समांतर माध्य के रूप में ज्ञात होता है जब अंक हमको 0 से ऊपर, 10 से ऊपर, 20 से ऊपर, 30 से ऊपर और 40 से ऊपर जब दिया हो तो हम सबसे पहले अंक ज्ञात करेंगे, बारंबारता ज्ञात करेंगे। बारंबारता ज्ञात करने के लिए जैसा कि इसमें कहा है कि शून्य से ऊपर हमको अधिक लेना है, कम नहीं लेना है। यदि यही प्रश्न में ये कहता कि शून्य से कम तब हम शून्य से कम, या 10 से कम बोलता तो 10 से कम, 0 से 10 ऐसा लेते, परंतु यहाँ ये ऐसा बोल रहा है शून्य से ऊपर तब हम 0 से 10 लेंगे, 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 लेंगे, 30 से 40 लेंगे और 40 से 50 लेंगे। इस तरीके से मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने के बाद जब वो छात्र संख्या दी हुई वो संचयी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति में हम क्या करते हैं उससे ऊपर की आवृत्ति को उसके नीचे की आवृत्ति से घटा देते हैं तो जो आवृत्ति प्राप्त होती है वो उसकी बारंबारता आवृत्ति कहलाती है। ये संचयी आवृत्ति दी गई है। संचयी आवृत्ति को हम बारंबारता आवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए हमको ऊपर की आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति को घटाते हुए चलते हैं। इस तरीके से हमको आवृत्ति प्राप्त होती है और आवृत्ति को हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ प्राप्त होगा। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के बाद दोनों को भाग लगाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य आएगा 23.75। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब प्राप्तांक दिया हो और विद्यार्थियों की संख्या दी हो
प्राप्तांक दिया है 80 से कम, 80 से कम, 70 से कम, 60 से कम, 50 से कम, 40 से कम, 30 से कम, 20 से कम और 10 से कम। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13 और 5। तब हम सबसे पहले यहां से वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं। 80 से कम, 80 से कम अर्थात 70 से 80, 70 से कम अर्थात 60 से 70, 60 से कम अर्थात 50 से 60, 50 से कम अर्थात 40 से 50, 40 से कम अर्थात 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 20 से 30 और ये 10 से 20। इस तरीके से हमारे पास कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से कम बोला है इसलिए। वर्ग अंतराल ज्ञात होने के बाद हम यहाँ से मध्यमान x का मान ज्ञात करते हैं। मध्यमान x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 8, 7, 15, 8, 7, 15 और 15 को हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 75, 7, 6, 13, 113 को भाग लगा दिए तो यहाँ से 130 को भाग लगा दिए तो ये हो गया हमारे पास 65, ये हो जाएगा 110, 110 को 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 55, यहाँ से हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। इस तरीके से मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं हम। मध्यमान ज्ञात करने के बाद हमारे पास जो ये आवृत्ति, संचयी आवृत्ति दी है, संचयी आवृत्ति दी है तो हम इसको आवृत्ति में परिवर्तित करेंगे। आवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सौ में से 90 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 90 आ जाएगा 10, फिर 90 माइनस 80 आ जाएगा 10, फिर 80 माइनस 60 क्या आ जाएगा यहाँ से 20 और 60 माइनस 32 यहाँ से आ जाएगा 28, 32 में से 20 जाएगा
तो हमारे पास बच जाएगा 12। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहां से 20 माइनस 13, आ जाएगा यहां से 7, और 13 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 8, और अंतिम आवृत्ति जो होगी वो होगी 5। इस तरीके से हम आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। जब आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे तब हम यहाँ से चाहे तो हम लोग कल्पित माध्य लेकर D का मान ज्ञात कर सकते हैं। कल्पित माध्य यदि हम यहाँ पर से A बराबर 45 मान लेते हैं तो हम D बराबर निकालते हैं X माइनस A। 45 में से 75 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से पहले इसको 0 ले लेते हैं, 45 में से 45 गया 0, यहाँ आ जाएगा 45 में से 55 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -10, फिर 65 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस में, और यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस में। कल्पित माध्य यदि हम A बराबर 45 लेते हैं तो कंटिन्यूएशन में यदि माइनस करते हैं तो -10, -20, -30 आता है। उसके बाद नीचे तरफ यदि हम लोग देखते हैं वैसे ही तो ये हो जाएगा 10, 20, यहाँ से हो जाएगा ये 30, और लास्ट वाला आ जाएगा हमारे पास 40। ये सब माइनस में जाएंगे, ऊपर के सब प्लस में जाएंगे, और ये माइनस में जाएंगे सब, -10, -20, -30 और -40 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम डी के मान को हल करते हैं तो हमारे पास 30, 20, 10, -10, -20, -30, -40 आता है। अब हम यहाँ से एफ डी का मान ज्ञात करते हैं, एफ डी ज्ञात करते हैं तो एफ हमारे पास दिया हुआ है 10, 10, 20, 28, 12, 7, 8 और 5। तब हम 30 से इसका गुणा करते हुए चलते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 30 दहम 300, 20 दहम 200, अगेन 20 दहम 200, 28 को 0 से गुणा किए 0, 12 दहम 120, -120, 7 दूनी 14, -140, 8 3 24, -240, और 5 4 20, -200। इस तरीके से एफ डी का मान ज्ञात करते हैं हम, तो हमारे पास 300, 200, 200 और 120, -140, -240 और -200। तो हम ये सब को जब सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं तब हमारे पास तब यहाँ से हम लोग सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं तो वो आ जाता है 0, और हमारे पास सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है 100। तब हम यहाँ से समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ
तब ए का मान था हमारे पास 45 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया हमारे पास 0, सिग्मा एफ है 100, तब हमारे पास समांतर माध्य जो आएगा वो है हमारे पास 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी प्राप्तांक ऐसा दिया होगा 80 से कम, 70 से कम, 60 से कम, 40 से कम, इस टाइप का जब दिया होगा तब हम सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल बनाने के बाद उसके साथ जो दी गई आवृत्ति होती है वो संचयी आवृत्ति होती है। संचयी आवृत्ति को हम बारंबारता आवृत्ति में परिवर्तित करते हैं। बारंबारता आवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए हम ऊपर की आवृत्ति को उसके नीचे की आवृत्ति से घटा घटा के निकालते चलते हैं। तो जब हमारे पास एफ और एक्स का मान निकल जाता है तो हम आगे की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाते हुए सूत्र में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ के फार्मूले में रख के हल करने पे समांतर माध्य की गणना आती है हमारे पास 45। धन्यवाद।